सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे BPNL में भारतीय पशुपालन में जो वैकेंसीज आई थी उसके सिलेबस के बारे में, और सभी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिंक आपको एक्टिवेट करना है, कितना टाइम आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, सभी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि आज सब डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है। अगर आप इसका एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो तो स्कीमो पैटर्न, सिलेबस एंड ऑनलाइन परीक्षा आपको कैसे देनी है, ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे। गाइस, मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और पूरा समझाता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है। तो गाइस, अभी आप मेरे डेस्कटॉप पे हो और हम जानेंगे कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है। गाइस, यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा ये क्वेश्चंस करने के लिए। टाइम और डेट सब कुछ आपको आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा, टाइम टू टाइम कब इसका एग्जामिनेशन होगा, किस समय इसका आपको एग्जामिनेशन देना है। सभी क्वेश्चंस करने जरूरी है, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। क्वालिफाइंग नंबर रखे हैं वो 36% यहाँ पे नंबर रखे गए हैं और आपको ये क्वालिफाइंग करना ही करना है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, यहाँ पे कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका क्या होगा, कैसे आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है, आपको आपके मेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा। 2 दिन पहले आपको ईमेल पर आपको एक लिंक मिलेगा, जो भी जो समय आपकी मेल आईडी पर दिया जाएगा उससे 15 मिनट पहले वो लिंक एक्टिव होगा और आपको 15 मिनट पहले ही आपको वो ओपन करना है। 15 मिनट पहले आपको ओपन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आप उसमें डालना। उसके बाद वहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन दी गई हैं, वो आप पढ़ना। उसके बाद अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट करना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। गाइस, यहाँ पे क्लियरली लिखा है अंग्रेजी भाषा के वक्त जाने वाले अर्थ को वित्त दी जाएगी, यानी जो अंग्रेजी भाषा में एग्जाम देगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देगा। कुछ त्रुटि अगर हिंदी टाइपिंग में मिलती है तो उसका कोई सलूशन नहीं है, वो जो अंग्रेजी भाषा में दिया गया है वही मान्यता दी जाएगी, उसी क्वेश्चंस को मान्यता यहाँ पे दी जाएगी। आपको ऑनलाइन परीक्षा समाप्त होने के बाद तुरंत अपनी चेयर से नहीं उठना है, आपको ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद वहीं पर बैठे रहने हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट भी आपका सेम डे आएगा, कितने नंबर आपने सही किए हैं, कितने नंबर आपने गलत किए हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर उसका पावर फेलियर होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है सिस्टम की नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो आपको पावर बैकअप रखना है। यहाँ पे कुछ वर्जन दी गई है, एंड्रॉयड के लिए 6.0 एंड उससे ऊपर होना चाहिए, डेस्कटॉप के लिए विंडोज 7 एंड उसके ऊपर होना चाहिए, ब्राउजर के लिए गूगल क्रोम होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड आपकी 4G होनी चाहिए, कंप्लीट नेटवर्क एंड सिग्नल आपके यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे परीक्षा का परिणाम भी तुरंत मिल जाएगा आपको आपकी स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पे आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर अपना एग्जाम दे रहे हो सेम स्क्रीन पे आपको परीक्षा का रिजल्ट मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो और आपको इसका एक ईमेल भी मिल जाएगा और गाइड परिमाण व आगे की सूचना भी आपको ईमेल पर दी जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी होगा सब कुछ ईमेल पर दिया जाएगा। कोई भी डाक के द्वारा, कोई भी पोस्ट के द्वारा या फिर कोई स्पीड पोस्ट के द्वारा कुछ भी नहीं आएगा, सब यहाँ पे ऑनलाइन होगा। और इस वैकेंसीज के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि ये वैकेंसीज फ्रॉड वैकेंसीज है या रियल वैकेंसीज है, एक बार आप उस वीडियो को देख लें, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। अब करेंगे इसके सिलेबस की बात। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ये एग्जाम होगा। अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का एग्जाम होगा। गणित के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर का एग्जाम होगा। विपणन के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का एग्जाम होगा। कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल 30 मिनट आपको दिया जाएगा पूरा करने के लिए। एग्जाम बहुत सरल होगा, एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे करने जरूरी, सभी प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पे नीचे हिंदी का सिलेबस है, मुहावरे दिए जाएंगे, अलंकार दिए जाएंगे, शुद्ध वर्तनी दी जाएगी, व्याख्यांश के लिए एक शब्द दिया जाएगा, विलोम शब्द समास यहाँ पे दिए जाएंगे। अंग्रेजी का भी है सेम, यहाँ पे गणित का है सेम, यहाँ पे विपणन का है और गाइज यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इंग्लिश में भी इसका सिलेबस दिया गया है, आपको इंग्लिश, हिंदी जिस चीज़ में पढ़ना है दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। सिलेबस को आपको यही कवर करना है, टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, कोई बाहर से आपको सिलेबस पिकअप नहीं करना है और बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइज, ये रही पूरी डिटेल। कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।